तो ये बीटॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ। तो पहला अपडेट आ रहा है तिरी को लेकर। कल ही मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था कि तिरी के साथ केरल वेस्टर्न एफसी का क्या मामला हुआ है। आपको अगर पता नहीं है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो पूरा मामले के चलते तिरी अब केरल वेस्टर्न एफसी में शायद नहीं जा रहा है, और उसको ही देखते हुए कुछ क्लब ने उनके ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखा दिया है। तो सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो है भाई मुंबई सिटी एफसी, नेक्स्ट उसके बाद है एटीके मोहन बगान, और तीसरा क्लब है भाई एफसी गोवा। टोटल तीन क्लब ने तिरी के ऊपर ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा दिया है। मुंबई सिटी एफसी के पास एक डिफेंडर आ रहा है मटुरा फॉल, उसके साथ साथ अगर तिरी आ जाता है तो कितना स्ट्रांग इनका बैकलाइन होगा आप लोग सोच ही सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एटी के मोहन बगान के न्यू एंटिटी के बारे में, तो भाई यहां पर भी जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी जॉन जॉनसन को साइन किया है एटी के मोहन बगान, लेकिन उसके बाद भी एक और डिफेंडर की ज़रूरत है और उसका ही नीड है, उसको ही ढूंढ रहा है एटी के मोहन बगान के न्यू एंटिटी एंटोनियो लोपेज हबास, उनका हेड कोच। तो तिरी एक अच्छा ऑप्शन है, फिर से तिरी एटी के मोहन बगान में कमबैक करेगा, एटी की तरफ से इससे पहले भी खेल चुका है। नेक्स्ट अगर एफसी गोवा की बात किया जाए तो सेंटर बैक पोजीशन पर ऑलरेडी कार्लोस पेनिया ने अपना रिटायरमेंट घोषणा कर दिया है। मटुडा फॉल भी जा रहा है मुंबई सिटी एफसी में, तो यहाँ पर तो एकदम ज़रूरत है तिरी जैसा खिलाड़ी का, एक लीडर का। ऑलरेडी दो खिलाड़ी को ऑफर देके रखा है इस पोजीशन के लिए, कल ही मैंने आपको बता दिया था लमिनेसा ने और रुजबे चेस्मी, उससे पहले बताया था, और अब तिरी को भी ऑफर दे दिया है। और मुझे लग रहा है कि तिरी बहुत ही फिट बैठेगा इनके टीम में, एक लीडर की तरह तिरी इनके टीम में काम कर सकता है डिफेंसिव पोजीशन पर। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से अब ये सब कुछ प्रोसेस होता है, प्रोग्रेस होता है। जब कुछ नया अपडेट मुझे मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और भी कुछ क्लब इंटरेस्ट शायद दिखा सकता है इनके ऊपर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग खिलाड़ी है आईएसएल में तिरी। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है जॉबी जस्टिन को लेकर। कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने शायद सुना होगा, मैंने भी आपको बताया था कि केरल वेस्टर्न एफसी ने जॉबी जस्टिन के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, और उसी बात को यहाँ पर जॉबी जस्टिन पूरी तरीके से खुलकर एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ दिन पहले ही खेल नाव के साथ एक इंटरव्यू हुआ था जॉबी जस्टिन का, जहाँ पर जॉबी जस्टिन ने बिल्कुल ही ना कह दिया है कि ना मेरे पास कुछ भी ऑफर नहीं आया था केरल वेस्टर्न एफसी के तरफ से, साथ साथ मैं अभी एटीके में खेलकर हैप्पी हूँ, हाँ मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला है लेकिन उसके लिए मैं खुद ही दोषी हूँ, शायद मैंने नेट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, जो प्रैक्टिस मैच होता था वहाँ पर मैंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, कोच को इम्प्रेस नहीं कर पाया है, इसलिए मुझे चांस नहीं मिला है, लेकिन मैं अभी एटीके मोहन बगान के न्यू एंटिटी के साथ ही जाना चाहता हूँ, एटीके को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ अभी इस वक्त। तो यहाँ से जॉबी जस्टिन का बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। जो भी अभी र्यूमर्स आ रहा था कि जॉबी जस्टिन जा रहा है केरल वेस्टर्न एफसी में, केरल वेस्टर्न एफसी ने उनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, जॉबी जस्टिन का मन है केरल वेस्टर्न एफसी में जाने का, लेकिन वो बाद में, और साथ साथ अभी तक तो उनके पास कुछ ऑफर भी नहीं आया है ऐसा उन्होंने कह दिया है। तो जॉबी जस्टिन केरल वेस्टर्न एफसी में नहीं जा रहा है, एटीके मोहन बगान न्यू एंटिटी के साथ ही वो कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है ईस्ट बंगाल की तरफ से। तो मैंने आपको बताया था कि सीके विनीत को ईस्ट बंगाल ने ऑफर दिया है, साथ साथ बहुत दिन पहले भी बता दिया था कि रिनो एंटो को, जो कि बेंगलुरु एफसी का खिलाड़ी है अभी फिलहाल, उनको भी ऑफर दिया था ईस्ट बंगाल ने। और रिसेंटली अब हमें सुनाई दे रहा है कि इन दोनों का साइनिंग बहुत दूर तक चला गया है, एकदम एंड मोमेंट पर है, ऑलमोस्ट कन्फर्म आप लोग मान सकते हो, 99% तो मैं नहीं कहूँगा, 90% कहूँगा कि सीके विनीत और रिनो एंटो नेक्स्ट सीजन आपको ईस्ट बंगाल के जर्सी में दिखाई दे सकता है। चलिए जब 100% कन्फर्म हो जाएगा मैं आपको एक और बार बता दूंगा। और इसके बाद भाई नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, न्यू जो फॉरेनर रूल अप्लाई करने वाला था AIFF आईएसएल और आई लीग में, उसको ही लेकर एक नया मोड़ हमें दिखाई दे रहा है। आईएसएल में तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा पूरी तरीके से, आईएसएल के सभी क्लब ने ना कह दिया था, इस रूल के विरुद्ध गया था सभी क्लब, लेकिन भाई देखिए आई लीग का ज़्यादातर क्लब 3+1 इन प्लेइंग 11 एंड 5+1 इन स्क्वाड एग्री कर लिया है। हाँ, ज़्यादातर क्लब ने आई लीग का कह दिया है कि नेक्स्ट सीजन से हम इस रूल को फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ दो ही क्लब ने यहाँ पर डिसएग्री किया है, एग्री नहीं किया है, तो उन दोनों क्लब का नाम मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन शायद AIFF आपको नेक्स्ट सीजन में अप्लाई करते हुए दिखाई दे ये नया नियम आई लीग में।
तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे चल का। लेकिन आई लीग में मुझे लग रहा है कि 2020-21 सीजन में नया फॉरनर रूल अप्लाई हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी तक 100% कन्फर्म नहीं है। सोर्स जिस तरीके से हमें बता रहा है, हम लोग भी आपको उस तरीके से बता रहे हैं। आगे चलकर जब कन्फर्मेशन आ जाएगा इस बारे में कि आई लीग में इम्प्लीमेंट हो रहा है नया नियम का, मैं आपको एक और बार जरूर इन्फॉर्म करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप को लेकर, जो कि इंडिया में ही होना था। 2 नवंबर से शायद स्टार्ट हो जाता अगर कोरोना वायरस इफेक्ट नहीं करता, तो 2020 में ही पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन भाई कोरोना वायरस के चलते फीफा ने इसको पोस्टपोन कर दिया है और अब 2 डेट सामने आया है, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट, जो कि 2021 में है। तो इंडिया में फिर से रिशेड्यूल किया जाएगा पूरा टूर्नामेंट को ही अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए। तो डेट जो आया है वो है भाई 17 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2020 में, 17 फरवरी टू 7 मार्च। तो चलिए अब हम सिर्फ वेट करेंगे नया स्केड्यूल के बारे में, जब नया स्केड्यूल आ जाएगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी और उड़ीसा एफसी के हेड कोच को लेकर। दोनों ही टीम ने एक कोच के ऊपर टारगेट किया है नेक्स्ट सीजन में अपना हेड कोच बनाने के लिए। चलिए उस कोच के बारे में मैं आपको एकदम डिटेल्स में बता देता हूँ। तो उस कोच का नाम है स्लावल जुब मुस्लिन, सर्बिया से बिलोंग करता है, उम्र है 66 साल, 66 ईयर्स ओल्ड। हाँ थोड़ा बहुत बूढ़ा आप लोग कह सकते हो, लेकिन एबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, बहुत सारा क्लब को इन्होंने मैनेज किया है। एज ए डिफेंडर खेला था अपने फुटबॉल करियर में और रेड स्टार बेलग्रेड की तरफ से 140 अपीयरेंस से एज ए खिलाड़ी। उसके बाद 1999 से लेकर 2001 तक और 2003 से लेकर 2004 तक रेड स्टार बेलग्रेड को इन्होंने मैनेज भी किया था। नेक्स्ट रशिया के प्रीमियर लीग में बहुत सारे टीमों को इन्होंने मैनेज किया है, जैसा कि लोकोमोटिव मॉस्को को भी इन्होंने मैनेज किया था 2005 से लेकर 2006 तक। तो अच्छा खासा इनके पास एक्सपीरियंस है और इन्होंने लास्ट टाइम मैनेज किया था अल फैया को 2018 से लेकर 2019 तक। उसके बाद किसी क्लब की तरफ से इन्होंने काम नहीं किया है और अभी फिलहाल नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ओडिशा एफसी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है इस कोच के ऊपर। चलिए आगे जाकर अगर इसके बारे में कुछ भी नया अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। कल भी मैंने आपको एक रूमर्स बताया था नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के हेड कोच को लेकर, आपको अगर पता नहीं है तो लास्ट एबी टॉक के एपिसोड देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और अभी एक और नाम सामने निकल के आया है, साथ साथ ओडिशा एफसी के हेड कोच का भी शॉर्ट लिस्ट तैयार हो चुका है, वहीं से ही ये नाम निकल के आया है। भाई आगे चलकर आपको और भी अपडेट मिलेगा तो जरूर चैनल से जुड़ा रहिए। नेक्स्ट इसके बाद भाई मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के डिमांड पर उमर अब्दुल रहमान के बारे में। तो देखिए भाई अभी तक मेरा जितना ट्रस्टेड सोर्स है उन सभी सोर्सेज से मुझे ये बात नहीं पता चला है, लेकिन दूसरे सोर्स बता रहा है कि एटीके एमबी यानी कि एटीके मोहन बगान का जो न्यू एंटिटी है उस एंटिटी में उमर अब्दुल रहमान आ सकता है। एटीके एमबी ने इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है। तो उमर अब्दुल रहमान कौन है भाई, आप लोग जानते ही होंगे, एशिया का वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी है, यूएई से बिलोंग करता है, उम्र है 28 साल, अटैकिंग मिडफील्ड इनका मेन पोजीशन है। सऊदी अरब में ही अपना ज़्यादातर करियर इन्होंने बिताया है, पहले इन्होंने खेला था अल आइन की तरफ से 2008 से लेकर 2018 तक, उसके बाद अल हिलाल की तरफ से खेला 2018 से लेकर 2019 तक और अभी फिलहाल वो जुड़ा हुआ है अल जजीरा के साथ 2019 तक। शायद इस बार उनका डील नहीं ख़त्म होगा 2022 तक ना 2021 तक शायद डील है, मुझे पता नहीं है भाई, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, लेकिन डील इनके साथ बहुत ही ज़्यादा है। अगर एटीके एमबी इनको साइन करना चाहता है तो ट्रांसफ़र फ़ी इनको देना ही पड़ेगा। और साथ साथ अगर इनकी इंटरनेशनल करियर की बात किया जाए तो यूएई के अंडर 20 अंडर 23 सीनियर टीम को भी रिप्रेजेंट अभी कर रहा है, टोटल 74 अपीयरेंस कर चुका है सीनियर टीम की तरफ से। एशियन मेसी इनको कहा जाता है, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, एशिया का वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी है जैसा कि मैंने आपको बताया, और एशियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्होंने जीता था 2016 में, उसके बाद यूएवी प्लेयर ऑफ द ईयर 2013 में जीता था। तो अच्छा खासा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और अब अगर बात किया जाए कि कितना सच्चाई है इस रूमर्स में, कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है ये ट्रांसफ़र, तो भाई एक बहुत ही उम्दा ट्रांसफ़र होने वाला है अगर ऐसा हो जाता है तो। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा है कि एटीके एमबी टीम में वो आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी अटैकिंग मिडफील्ड पोजिशन पर एडू गार्सिया को साइन कर लिया है, जो कि लगभग कन्फर्म लग रहा है। अभी तक तो टोटली ऑफिशियल वर्क पूरा नहीं हुआ है एडू गार्सिया का, तो शायद कहीं ना कहीं कनेक्शन कट कर
अब्दुल रहमान को ये ले सकता है। साथ साथ देखिए भाई, एज ए मार्क्यू खिलाड़ी इनको साइन करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो कीमत है बहुत ही ज़्यादा है, 10 करोड़ के ऊपर, लगभग 11-12 करोड़ का इनका ट्रांसफ़र है, तो उसके साथ साथ ट्रांसफ़र फी भी देना पड़ेगा, तो बहुत ही ज़्यादा पैसों का मामला है यहाँ पर। और जो अभी क्राइटेरिया है मार्क्यू खिलाड़ी का, उस क्राइटेरिया में उमर अब्दुल रहमान भी नहीं आ रहा है, जो कि फ़िलहाल मुझे पता है भाई। तो दिक्कत तो बहुत सारा है, लेकिन ट्रांसफ़र मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से फेक है, क्योंकि बहुत सारा जाना माना सोर्सेस से बात निकल के आ रहा है, लेकिन मैं उतना ज़्यादा उन सभी सोर्स पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। आप लोग ही मुझे कह दीजिए कि क्या हो सकता है इस मामले के बारे में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।